गुड मॉर्निंग टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर लेने वाले हैं 19 नंबर लेक्चर, जिसके अंदर आप आज के लेक्चर में फर्स्ट प्रैक्टिस वीडियो यहां पे आपके साथ प्रैक्टिस वन किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अभी तक जितने भी 18 वीडियोस आए हैं उन सब में आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक चीज़ें थी वो बताई थी। अब आज का जो वीडियो है इसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी टंग को शार्प कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जानना अलग बात है, व्यवहार में लाना अलग बात है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस के ज़रिए हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम व्यवहार में लाएंगे, यानी कि नेचुरल फ्लुएंसी डेवलप करने की आज से कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। जब तक आप उस लैंग्वेज की हैबिट नहीं बनाओगे तो वो आपके टेली डे टू डे कॉन्वर्सेशन के अंदर सामने कोई भी है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम उसको नेचुरल वे में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस हैं, ये प्रैक्टिस वन दे रखी है। अब इस प्रैक्टिस में क्या कुछ खास है हम देख लेते हैं आज की क्लास में। तो इसके लिए आपको बुक का पेज नंबर 35, यहीं से आपकी प्रैक्टिस नंबर वन शुरू हो रही है। इसको आप बहुत अच्छे से 100% प्रैक्टिस करते जाएं और पिछले जो लेक्चर हुए हैं उनको आपके, जब तक इनके पिछले वाले लेक्चर आपके कंप्लीट नहीं होते हैं तो इस लेक्चर को मत देखो, आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलो। क्योंकि लैंग्वेज एक साल के लिए नहीं होती है, ये थ्रू आउट लाइफ के लिए होती है, पूरी पूरी लाइफ के लिए होती है। हम जैसे सब्जेक्ट की इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट इंग्लिश में ऐसा होता है कि हम फिफ्थ में आते हैं तो फोर्थ का भूल जाते हैं, सिक्स्थ में जाते हैं तो फिर फिफ्थ का भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये लैंग्वेज जो सिखाई जा रही है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, ये आपकी लाइफ है। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं लेकिन आपको बोलना नहीं आता इंग्लिश, राइट टाइम पे राइट वोकेबलरी राइट प्लेस पे यूज़ करना नहीं आती है, तो फिर आपकी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 11th 12th पास आउट होने के बाद तो आपको सारे सब्जेक्ट ही इंग्लिश, थ्रू आउट इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हुए, चाहे आप कोटा जाएँ, चाहे आप दिल्ली जाएँ, बॉम्बे जाएँ, कहीं भी हायर एजुकेशन के लिए जाएँ, तो वहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो आप आज से ही बिना टाइम वेस्ट किए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। देखो इस प्रैक्टिस वन में क्या बताया हुआ है, हम एक एक इस एक एक शब्द मैंने बहुत सोच समझ के और इस बुक में डाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लें, हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे मैं यहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेक्चर 18 कंप्लीट हो गए थे, अब हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 19। अब ये प्रैक्टिस वन क्या है, इसको हमने प्रैक्टिस वन नाम क्यों दिया है, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, रिजल्ट आपको खुद ही मिलने लगेगा, मुझे भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें क्या कहा है, मैं यहाँ से पढ़ने वाला हूँ तो आप बुक में भी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुने और बुक में देखते जाएं। इस अभ्यास यानी पढ़ाई से आप अपनी आदतें, हर रोज की घटनाएं आदि के बारे में इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनेक सिंपल प्रेजेंट टेंस के
अनेक जो हैं सेंटेंसेस बना सकेंगे। अभी आप क्या करेंगे कि अभी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब यूज़ करते हैं अपनी या दूसरों की आदतें बताने के लिए, साथ ही साथ हर रोज़ होने वाली घटनाएं बताने के लिए, प्रकृति की देन बताने के लिए, या फिर कोई भी सांसारिक या यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बताने के लिए, कोई प्रोफेशन बताने के लिए, कोई बिजनेस बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब ये तो आपने पहले देखा है, आप नहीं तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको बताया था आदतें बताने के लिए, हर रोज़ की घटनाएं बताने के लिए, रीति पद्धति व्यवसाय बताने के लिए, वैश्विक सांसारिक सत्य प्राकृतिक देन बताने के लिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा है, इसके पहले के टेबल की आपको बिना देखकर बोलने की कोशिश करनी है। अभी लाइन है, इसको आप अमल में लाइए। इसके पहले की जो हमने टेबल आपको बताई है वो बिना देख के आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम बिना देख के प्रैक्टिस करें तो वो टेबल क्या थी, इस टेबल के बारे में बात हो रही है। ये टेबल आपको ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू बिना देख के लर्न करना है। इसको आप क्या करेंगे, अभी आप इसको देखेंगे ही नहीं, इसको आप बिना देख के और लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वे बोलते हैं, ही स्पीक्स वह लड़का बोलता है, शी स्पीक्स वह लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वह कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, लता स्पीक्स लता बोलती है। तो इस तरह से हमने क्या किया था, ये जो टेबल है ये हम बिना देख के ट्रांसलेशन मेथड, ऐसा नहीं कि आई स्पीक वी स्पीक यू स्पीक यू स्पीक दे स्पीक ही स्पीक्स शी स्पीक्स इट स्पीक्स राम स्पीक्स श्याम स्पीक्स, ऐसे नहीं बोलना है। आपको साथ का साथ इसका ट्रांसलेशन भी करते जाना है, यानी कि उसका जो है वो हिंदी अनुवाद भी, अगर आपको बोलना नहीं आया तो प्रोनंसिएशन हमने ये सारे दे रखे हैं, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भी साथ का साथ चलना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि आपका जो भी है लर्निंग वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। अब आपको जैसे आई स्पीक, आप इसका पता तो होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। तो कुल मिला के आप ट्रांसलेशन मेथड से यही लाइन यहाँ पे बताइए कि स्पीक इस वर्ब के 10 सेंटेंस आपने बिना देख के बोलने की कोशिश करनी है। यानी कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये बिना देखकर बोलना है, यानी कि इसको देखना नहीं है। इस बात की आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है अपने माइंड के अंदर कि हम इसको जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बिना देख के करनी है। ओके, फिर इसके आगे क्या लिखा है, टेबल को बिना देखे याद भी करना है। एक और बात है इसमें, टेबल को बिना देख के क्या करना है, आपको याद भी करना है। याद करने से क्या होगा कि आपको जो 10 सब्जेक्ट हैं, आई वी यू यू दे ही शी एट राम सीता लता, कुछ भी एक शब्द राम के बाद आप कोई भी नाम लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको टेबल याद करनी है। और याद कैसे करनी है, ट्रांसलेशन मेथड से याद करनी है, यानी कि एक बार आपको इंग्लिश बोलनी है और उसके तुरंत बाद उसी सेंटेंस की हिंदी बोलते फिर अगला सेंटेंस इंग्लिश का आपको लेना है। जैसे आप बोलेंगे आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वे बोलते हैं, ही स्पीक्स वह लड़का बोलता है, शी स्पीक्स
वह लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वह कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, लता स्पीक्स लता बोलती है। इस तरह से जब आपके टंग पे अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए फिर उसको स्पीड में बोलने की कोशिश करो बिना सोचे समझे। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हम सोचते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली मुँह से निकल जाता है, उसी तरह से आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ये टेबल बिना सोचे समझे आपके मुँह से निकलनी चाहिए, तभी हम व्यवहारिक यानी इंटरव्यूज़ वगैरह टाइम या अदर स्टूडेंट्स या अदर टीचर्स या अदर किसी से भी कम्युनिकेट करते समय हम इसको आसानी से बोल सकते हैं। कैसे, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वे बोलते हैं, ही स्पीक्स वो लड़का बोलता है, शी स्पीक्स वो लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वो कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, लता स्पीक्स लता बोलती है। यानी कि तुरंत आपको क्या करना है उसको बिना देख के और याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आगे की बात वही कही हुई है इसमें कि अनुवाद करके जोर से पढ़ना है, अनुवाद यानी कि उसका ट्रांसलेशन भी, जैसे आई स्पीक मैं बोलता हूँ ये इसका अनुवाद भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया और उसका हिंदी भी हो गया, यानी कि अनुवाद करते हुए आपको उसको बोलने की कोशिश करनी है। उससे आपकी क्या होगा, एक तो टंग प्रैक्टिस होगी, एक मेमोरी में बार बार रिपीट हो जाएगा। जैसे ऐसा कहा जाता है, यू कैन एग्जिबिट ओनली दैट कंपैरेटेंस विच यू ऑफन यूज्ड, कंपैरेटेंस एंड यूज्ड द डिकेज आर वैनिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि क्षमताएं वही विकसित होती है जिनका हम निरंतर उपयोग करते हैं, जिन क्षमताओं का हम उपयोग नहीं करते हैं वो नष्ट या लुप्त हो जाती हैं। यानी कि कोई भी नॉलेज है आप अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगी या फिर लुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना है। आप ये समझ लिए कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ही आपका फ्यूचर करियर सब कुछ बनाएगी और आप सब कुछ यही है, तो इसको इतने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए जोर जोर से बोलने की। हाँ, प्रैक्टिस ये श्राप है मेरा कि अगर प्रैक्टिस मन में करोगे तो आपको कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, ये श्राप है मेरा। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें बोल के करें, जोर से करें, टंग से करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और घर में आपके कांच होगा तो मिरर के सामने देख के भी आप जोर जोर से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका, आपके एक्सप्रेशन भी देखते हैं, आपके हाव भाव भी देखते हैं। सोचे जो हरकतें आप दूसरे की आपको अच्छी नहीं लग रही, सोचिए कहीं आप भी तो वैसा नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मिरर प्रैक्टिस भी इसकी करनी है। चलिए आगे क्या बताएं, ये जो स्पीक वर्ब है, स्पीक इस वर्ब के 10 sentences, क्या कहा है, स्पीक इस वर्ब के 10 sentences आप बनाएं। अब 10 sentences आपको क्या करना है, बनाने हैं। आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वे बोलते हैं, ही स्पीक्स वह लड़का बोलता है, शी स्पीक्स वह लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वह कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, श्याम स्पीक्स श्याम बोलता है। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ये नहीं कि आप लेक्चर सुन लें, हम आपको रिजल्ट देंगे, हैंड टू हैंड रिजल्ट आपको नज़र आएगा, आप बस जो कहा जा रहा है उसको आपको करते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसी प्रकार आपको जो स्पीक वर्ब है, स्पीक के बदले आपको ड्रिंक वर्ब लेना है। स्पीक के बदले आपको क्या करना है, ड्रिंक वर्ब लेकर 10 sentences बनाइए। अब चलो स्पीक वर्ब हो गई, अब स्पीक के बदले हम क्या ले लेते हैं, ड्रिंक वर्ब ले लेते हैं। आई ड्रिंक मैं पीता हूँ, वी ड्रिंक हम पीते हैं, यू ड्रिंक तू पीता है, यू ड्रिंक तुम पीते हो, दे ड्रिंक वे पीते हैं, ही ड्रिंक्स वह लड़का पीता है, शी ड्रिंक्स वह लड़की पीती है, इट ड्रिंक्स वह कुत्ता पीता है, राम ड्रिंक्स राम पीता है, श्याम ड्रिंक्स श्याम पीता है। इस तरह से हमने क्या किया, ड्रिंक वर्ब ले ली। इसी प्रकार हमारे जो रीच वर्ब सेक्शन है, अब रीच वर्ब सेक्शन क्या है,
ये रीच वर्ब सेक्शन आपको पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 17 तक रीच वर्ब सेक्शन में 150 वर्ब दी, उसमें से आपको कितनी वर्ब चुननी है, ओनली 50 वर्ब्स चुन के, और 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 सब्जेक्ट है और 50 हैं तो आप टोटल 500 सेंटेंसेस बनाएंगे। कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं, 500 सेंटेंस आप बनाएंगे। तो रीच वर्ब में से 50 वर्ब चुन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ACS ही शी इट सिंगुलर में जोड़ के और 500 सेंटेंस बनाइए। यही कहती है सेंटेंस आपको आज का जो टारगेट। अब 500 सेंटेंस बनेंगे कैसे, अब जैसे रीच वर्ब वाले सेक्शन में आना है, रीच वर्ब सेक्शन में आप पीछे आ जाइए, आपका पेज नंबर 12 निकालिए, पेज नंबर 12 यानी कि 12 नंबर पेज पे आना है। ये यहाँ से आपका रीच वर्ब सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, 12 पे भी है, 13 पे भी है, 14 पे भी है, 15 पे भी है, 16 पे भी है और 17 पर भी है। टोटल हमने आपको 150 वर्ब्स दिए हैं। अब आपको क्या करना है, हमारे पास 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट कौन कौन से, आई वी यू यू दे ही शी इट राम लता, और हम कितनी वर्ब लेंगे, 50 वर्ब लेंगे। तो ये टोटल आपके जो सेंटेंस बनेंगे वो बनेंगे आपके 500। अब जैसे 500 सेंटेंस आपको बनाने हैं, ओके, कितने सेंटेंस बनाओगे आप, 500। प्रैक्टिस वन यही कहती है कि जब तक आपके 500 सेंटेंस बोल बोल के नहीं बन जाते तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कैसे करनी, तुरंत करनी है ट्रांसलेशन मेथड से, मैं जैसे 50 के बजाय मैं 10 वर्ब्स लेके आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ वो 10 वर्ब्स क्या है। देखो जैसे मैंने वर्ब लिए है कीप, आई कीप मैं रखता हूँ, वी कीप हम रखते हैं, यू कीप तू रखता है, यू कीप तुम रखते हो, दे कीप वे रखते हैं, ही कीप्स वह लड़का रखता है, शी कीप्स वह लड़की रखती है, इट कीप्स वह कुत्ता रखता है, राम कीप्स राम रखता है, शाम कीप्स शाम रखता है। फिर आपने नो वर्ब ले ली, आई नो मुझे पता है, या मैं जानता हूँ ऐसा भी आप बोल सकते हैं, आई नो मुझे पता है, वी नो मुझे पता है, हमें पता है। तो इस तरह से आप जानना शब्द ले लीजिए, आई नो मैं जानता हूँ, वी नो हम जानते हैं, यू नो तू जानता है, यू नो तुम जानते हो, दे नो वे जानते हैं, ही नोज वह लड़का जानता है, शी नोज वह लड़की जानती है, इट नोज वह कुत्ता जानता है, राम नोज राम जानता है, शाम नोज शाम जानता है। फिर आपने राइट वर्ब ले ली, आई राइट मैं लिखता हूँ, वी राइट हम लिखते हैं, यू राइट तू लिखता है, यू राइट तुम लिखते हो, दे राइट वे लिखते हैं, ही राइट्स वह लड़का लिखता है, शी राइट्स वह लड़की लिखती है, इट राइट्स वह कुत्ता लिखता है, राम राइट्स राम लिखता है, शाम राइट्स शाम लिखता है। फिर आपने स्माइल ले लिया, आई स्माइल मैं मुस्कुराता हूँ, वी स्माइल हम मुस्कुराते हैं, यू स्माइल तू मुस्कुराता है, यू स्माइल तुम मुस्कुराते हो, दे स्माइल वे मुस्कुराते हैं, स्माइल्स वह लड़का मुस्कुराता है, शी स्माइल्स वह लड़की मुस्कुराती, इट स्माइल्स वह कुत्ता मुस्कुराता है, राम स्माइल्स राम मुस्कुराता है, श्याम स्माइल्स श्याम मुस्कुराता है। फिर आपने लाइक वर्ब ले ली, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, वी लाइक हम पसंद करते हैं, यू लाइक तू पसंद करता है, यू लाइक तुम पसंद करते हो, दे लाइक वे पसंद करते हैं, ही लाइक्स वह लड़का पसंद करता है, शी लाइक्स वह लड़की पसंद करती है, इट लाइक्स वह कुत्ता पसंद करता है, राम लाइक्स राम पसंद करता है, श्याम लाइक्स श्याम पसंद करता है। फिर ईट वर्ब ले ली, आई ईट मैं खाता हूँ, वी ईट हम खाते, यू ईट तू खाता है, यू ईट तुम खाते हो, दे ईट वे खाते, ही ईट्स वह लड़का खाता है, शी ईट्स वह लड़की खाती है, इट ईट्स वह कुत्ता खाता है, राम ईट्स राम खाता है, श्याम ईट्स श्याम खाता है। फिर आपने वॉक ले लिया, आई वॉक मैं चलता हूँ, वी वॉक हम चलते हैं, यू वॉक तू चलता है, यू वॉक तुम चलते हो, दे वॉक वे चलते हैं, ही वॉक्स वह लड़का चलता है, शी वॉक्स वह लड़की चलती है, इट वॉक्स वह कुत्ता चलता है, राम वॉक्स राम चलता है, श्याम वॉक्स श्याम चलता है। फिर आपने मान लो थ्रो, आई थ्रो मैं फेंकता हूँ, वी थ्रो हम फेंकते हैं, यू थ्रो तू फेंकता है, यू थ्रो तुम फेंकते हो, दे थ्रो वे फेंकते, ही थ्रोज वह लड़का फेंकता है, शी थ्रोज वह लड़की फेंकती, इट थ्रोज वह कुत्ता फेंकता है, राम थ्रोज राम फेंकता है, श्याम थ्रोज श्याम फेंकता है। ओके, हैव ले लिया, आई हैव मेरे पास है, वी हैव हमारे पास है, यू हैव तेरे पास है, यू हैव तुम्हारे पास है, दे है उनके पास है, ही हैज़ उस लड़के के पास है, शी हैज़ उस लड़की के पास है, इट हैज़ वह उस कुत्ते के पास है, राम हैज़ राम के पास है, श्याम हैज़ श्याम के पास है। अब यहाँ हैज़ हैव नहीं लगा, इसका हैज़ आप सिंगुलर बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें से जो आपकी मनपसंद कोई भी 50 वर्ब्स लेके और
प्रैक्टिस वन आपको करनी है। यही पेज नंबर 35 पे आज आपको समझाया हुआ कि प्रैक्टिस वन की प्रैक्टिस आपको किस तरह से करनी है। तो ये प्रैक्टिस वन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपकी इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत हो रही। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आप मुझे अपने सबकी प्रैक्टिस के ऑडियो व्हाट्सएप पे, ये जो पेज है इस पे नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे ऑडियो बना के और आप भेजेंगे इन व्हाट्सएप नंबर पे। तो उससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा आप वाकई प्रैक्टिस करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मन में प्रैक्टिस करोगे तो मेरा आपको श्राप है, आप कभी भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाओगे, नहीं सीख पाओगे। तो आपको क्या करना, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। एक बार में 50 वर्ब्स लेके प्रैक्टिस करके ही उठना है। मुश्किल से आपको एक वर्ब में आपको 10 सेकेंड लगेंगे, ओके। 5 वर्ब में आपको यानी 6 मिनट्स में आपकी 6 वर्ब कंप्लीट, 6 क्या और ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी, 1 मिनट में आपकी 6 वर्ब कंप्लीट हो जाएगी, यानी 60 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगी। 1 सेकेंड में 1 सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यही प्रैक्टिस इस लेक्चर में करनी है, ओके। और भी आप मुझे अपने प्रैक्टिस के ऑडियो भेजेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पे, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे जो है 7568077458 पर, ओके। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके प्रैक्टिस वन का। अगर आप प्रैक्टिस वन अच्छे से करोगे तो ही मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देखें। तो आज लेक्चर नंबर 19 में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं 20। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर।